ज्ञानरस सागर शिव बाबा पिला मन को ज्ञान देके बुद्धि को दिव्य बनाउछन्ते। जो बुद्धि द्वारा आमर परखिवार शक्ति आसे, निर्णय करिवार शक्ति भी आसे, यथार्थ कोटा अयथार्थ कोटा तार परख आसला, देहर अभिमान कोटा देही अभिमानी अवस्था कोटा तार भी परख आसीगला। आत्म अभिमानी द्वारा फायदा कौन होचे, देहर अभिमान द्वारा लॉस कोटा होचे। ठीक रूप रे परख करके ताको निर्णय नबा। आज तारीख हो 26 नवंबर 2024। मूल्य बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपनी तीनों कर्तव्य याद रहे, स्थापना विनाश और पालना। आम कहार संतान अटंते, त्रिमूर्ति शिव बाबार संतान, ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर जे रचयिता अटंते, शिव बाबार संतान है गले। आमर ब्राह्मण जी तीनटा कर्तव्य स्मृति रे रहो। को तीनटा कर्तव्य, स्थापना भी करिवार अच्छे, विनाश भी करिवा, तो पालना मध्य करिवा। ताले स्थापना कहार करिवा, स्थापना पाई आमको मास्टर ब्रह्मा हवार अच्छे, ताले स्थापना कहार दरकार। जो नुआ दुनिया आसे, नुआ संसार आसे, से नुआ दुनिया को जीवा पाए, जो नुआ संस्कार को आनेबा, से संस्कार स्थापना करिबा, श्रेष्ठ संकल्प स्थापना करिबा, तापरे पुरुना स्वभाव संस्कार तार मास्टर शंकर बन के तार विनाश भी करिबा। ताले भावनाकार करिबा, भावनाकार करिबा, से जो शुद्ध संस्कार पालना करिबा। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन से नुकसान होता? देहर अभिमान रा कड़ा रोगो लगेगल को प्रकार क्षति हो, जमती शरीर को किसी कड़ा रोग लगेगल ताद्वारा शरीर क्षति हो, सेमती देह अभिमान कड़ा रोग जो आत्मा को लगे ताद्वारा क्षति कौन हो ना नहीं क्षति को प्रकार क्षति हो। तो बाबा कहे, फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान वालों के अंदर जेलेसी होती है। जेलेसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते। तो देहर अभिमान वाला तर प्रथम लक्षण हो छे, ता भीतर ईर्ष्या देखा जीवो। ईर्ष्या कारण रो समंतर लून पानी हवा, मतभेद रे आसे जीवा, प्यार से सेवा नहीं कर सकते। यदि भीतर ईर्ष्या अच्छे, स्नेह पूर्वक सेवा हब के हब हब ना हब ना जी सेवा करछे ताकू सेवा दिया जाउछे। भीतर ईर्ष्या जदि आसीगला, स्नेह पूर्वक सेवा का नहीं, इसलिए बाबा ने कहा प्यार से सेवा नहीं कर सकते।
अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ईर्ष्या कारण रो निज भीतर ही जलिबे से माने ना बाबार सेवा करिबे ना निजर स्थिति को बनाइबे। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान कड़ा बीमारी है। सेकंड पॉइंट बेपरवाह रहते हैं। देह अभिमान रो व्यक्ति सबुबले नेग्लेक्ट करिबा परमात्मा के श्रीमत को परमात्मा के पालना को जीवन ने नेग्लेक्ट करिबो। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। यदि बाबा को यदि अवहेला करछंते तले माया कौन करिबो से आत्मा को बहुत बड़ा धोखा दब। पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। पुरुषार्थ रास्ता रे चलो चलो बाबा के लिए फा हो जाउछंते पूरा ठंडा पड़ जाउछंते जो कारण रो पाठ पढ़ा ही छाड़ी दोउछंते। हले पढ़ाई छाड़बार मूल कारण कौटा देहर अभिमान कौन से ना कौन से कारण एमती याबा टू साइट पढ़ाई टू साइट। तो बाबा कहे देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं होता है। दिल साफ ना होने के कारण बाबा के दिल पर नहीं चढ़ता। देह अभिमान द्वारा बसीभूत जो माने से मानको हृदय केवे सफा हबन गोटे भितरे गोटे बाहर मिक्सर रूप रहिबो। तो बाबा के लिए जार हृदय सफा नाए से माने बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे केवे बसी पारिबे। संगम जुगर सबुठ बड़ तक्त कोटा परमात्मा का हृदय रूपक सिंहासन अटे। से सिंहासन जदि बसवाने तले फायदा कौन हला तले कौन करिबा दरकार बाबार तख्त आमको दरकार ना ना दरकार तले कौन करिबा देह अभिमान को पूरा मुक्त हवा दरकार। पूरा बाबा जमती सच्चा सेमती सच्चा रहिबा जेतिकी सच्चाई रो रास्ता रे चलिबा सेतिक दिल साफ हृदय निर्मल से पिला माने बाबार दिल उपर चढ़ी पारे। फोर्थ पॉइंट मूड ऑफ कर लेते उनका चेहरा ही बदल जाता है। देह अभिमान रे आसले पूरा तुरंत मूड ऑफ हो जाए। किए जदि टिके कौन कहले मूड चेंज चेहरा पूरा चेंज हो जाए। ये सबु जाकर नुकसान का द्वारा हो देहर अभिमान द्वारा। से विश्वविद्यालय प्रथम पाठ कौटा मो आत्मा अटे। जी आत्मिक स्वरूप अभ्यास करवा से देहर अभिमान ठारो सहस्र मुक्त हो पारिबा। ओम शांति। सिर्फ बाबा को याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? बसते थे बाबा मन पड़ते ना आउ किसी भी स्मृति आसूच छतरे बाबा मन पड़ते आ मन पड़ना। तो बाबा के बच्चों को स्थापना विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। तो बाबा कहते पिला मन को तीनटा कर्तव्य स्मृति रे रहिबा दरकार स्थापना विनाश आउ पालना। तीनटा कर्तव्य गोटे सहित चलुछ। सत्य युगर निर्माण रो कार्य बे वर्तमान चलुछ। पुराणा दुनिया रो विनाश ताप प्रस्तुति भी ए समय रे चलो छे। विनाश तो हबन
जितना स्थापना ही जीव पुरुणा दुनिया रे विनाश से जीव तो बाबा कले पावना मध्य करछंते से सत्य युग दुनिया को जीवा पाए जो गुण रा आवश्यकता अछे जो संस्कार रा आवश्यकता अछे से संस्कार को जीवन रे आणुछंते तार पावना करछंते तो बाबा कही जैसे कोई वरिष्ठर पढ़ते तो उनको मालूम है ना मैं क्या बनूंगा, वरिष्ठर बनूंगा, वकालत करूंगा, तो वरिष्ठरी की पालना भी करेंगे। जो मैंने ओकिलाते पाठ पढ़ुंते से मन को पूरा निश्चय बुद्धि रोज मु वरिष्ठर हेबी ओकिलाती करेंगे आउ जीवन जाक से वरिष्ठरी ओकिलातीर पावना करछंते मु वरिष्ठर ही कि रहिबे तार पूरा प्रयास करछंते। तो बाबा के जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगे ना, जो पिला मने पाठ पढ़ुछन जो प्रकार भी पाठ रो से पढ़ाई रो लक्ष्य रोचे ना ना लक्ष्य तो रोचे आगा। तो तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाबा कुछ पिला मन को जना अच्छे आमे वर्तमान से सत्य युगर निर्माण रो कार्य करछंते, पवित्र नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है, से पवित्र नुआ दुनिया को तैयारी करछंते। से नुआ दुनिया केमती करटे संपूर्ण पवित्र दुनिया और पवित्रतार जो चिन्ह आका ना से पवित्र दुनिया को आनिबा पाए हमको पवित्र बनेवार अच्छे आ पवित्र बनिया पाए बाबार याद बहुत जरूरी अटे। जिते पर्यंत पतित पावन बाबार याद नाई सेते पर्यंत आत्मा पावन ही परिवन। तो बाबा कहे इसमें योग बहुत जरूरी है, योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। आत्मा पतित बनी जाए ना ना तले पवित्र केमते हब याद द्वारा। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, ये बुद्धि में आना चाहिए। पिला मन को बुद्धि रे बार बार आसवा दरकार, मते पवित्र बनेवार अच्छे, पवित्र दुनिया को जीवार अच्छे, सेठी राजुति करिवार अच्छे। सब इम्तहान में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंची पढ़ाई यह है। सबुजक परीक्षा ठरो बड़ा परीक्षा कोटा बड़ा परीक्षा कोटा जोटा हमें दो चलना ना सबु पढ़ाई ठरो ऊंचा पढ़ाई कोटा जोटा हमें पढ़ू चलते। तो बाबा की पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है, वो तो सब मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। दुनिया रे कितने सारा पाठ पढ़ा अच्छे किंतु सेठी मनुष्य मने मनुष्य मन को पढ़ोचंद एठीरो पाठ केमते कर एठी के पाठ पढ़ोचंदे शिव बाबा पढ़ोचंद ना। तो बाबा की वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है, दुनिया रे जित्ती की पाठ अच्छे सब जगह ए दुनिया पे किंतु आमर पाठ भविष्यत नुआ दुनिया पे पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही तो पाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। हम पिला मन को जना अच्छे इतनी ऊंचा पढ़ाई आम पढ़ुचंते जोटा बेहद पढ़ाई अटे से पढ़ाई फल हमको कौटी मिल जाए एठे मिलिबार नहीं कौटे मिलिब नुआ दुनिया रे। वो नई दुनिया कोई दूर तो नहीं है, नुआ दुनिया पाखा पाखी ना दूर अच्छे कौन कह सामनार अच्छे देखा जाऊ समस्त। तो बाबा कहे अभी तो संगम का युग है,
नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। तो बाबा की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना, हम पवित्र बनेंगे फिर इम्प्योर दुनिया का विनाश भी तो जरूर होगा। बाबा के लिए यदि पवित्र दुनिया आसव तापे हमें पवित्र बनुचंते, पूरा पवित्र बनी गले ए अपवित्र दुनियार विनाश मध्य हे जेव। तो सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। बाबार डायरेक्शन प्रमाण समस्ते पवित्र हेबे के हेबे ने। तो बाबा ने कहा तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। हमें बहुत कम पिला मैंने जो मैंने बाबा द्वारा पवित्र हो चन, से पवित्रता भीतर शक्ति अच्छे और तुम्हारे में भी नंबर वार ताकत अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जिते पावरफुल स्मृति रे रहिबा, जिते पवित्रतार ताकत आसे जीव, से नंबर वार अनुसार आम सूर्यवंशी आउ चंद्रवंशी कूल आसी जीवा। ताकत तो हर बात में चाहिए, सब कथार शक्ति दरकार। ये तो ईश्वरीय माइट है, इनको योग बल की माइट कहा जाता। आम पाखे को पावर अच्छे ईश्वरीय शक्ति अच्छे, ताकू योग बलर शक्ति बोली कहा जाए। बाकी सब जिस्मानी माइट है, लेकिन यह रूहानी माइट है। दुनिया रे जिते शक्ति अच्छे सब शारीरिक शक्ति अटे, किंतु आम पाखे को शक्ति अच्छे आत्मिक शक्ति। दबा वाला किए ईश्वर अटंते, मिलुचे केमते बाबर याद द्वारा। तो बाबा कलप कलप कहते हे बच्चों माँ मेकम याद करो। प्रत्येक कल्परे बाबा कहते मोर मीठा पिला मने निरंतर बाबा को मने पका। तो सर्वशक्तिमान बाबा को याद करो, वो तो एक ही बाबा है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। जितने बाबा को मने पके, बाबा कितने जनो, बाबा तो जने आकर ना, एक बाबर याद द्वारा आत्मा पवित्र बनी जीव। ये बहुत अच्छी बात है धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी भी नहीं। बाबा के लिए जो आत्मा र पूरा निश्चय बुद्धि है का ना, मु 84 जन्म नहीं, से मानको बुद्धि रे ज्ञान टिके भी बसिब ना, ज्ञान बसिब ना जीवन रे धारणा हब। तो बाबा के जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब कहाँ पर है, कहाँ पर है? जो मैंने सत्ययुग रे थिले, सतो प्रधान अवस्था रे थिले, एबे कोठे अछंते तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। जो आत्मा मैंने सत्ययुगर आत्मा, से मैंने जल्दी जल्दी आसवे बाबार नॉलेज रे, बाबा प्रति पूरा निश्चय बुद्धि बने जीवे। अगर कुछ भी नहीं समझते तो क्या करना चाहिए? यदि किसी भी हमें बुझु ना दे तो सेठी कौन करेगा, कौन करेगा? तो बाबा की पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाबा को भी याद करे। ज्ञान को यदि संपूर्ण रूप से बुझी पारे तेबे तो बाबा को मन पके पारे। यदि समझ आकर ना बाबर याद मध्य ना, समझेंगे भी नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है ना। जो मैंने ज्ञान को टिके भी बुझु नाते से मैंने बाबा को मन पके पारे। बाबा को जो सीधा कथा अटे,
जो आत्माएं सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है, जिनको यह संशय होगा कैसे समझे हम 84 जन्म लेते बा बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया है वो क्या करेंगे। जो पिला मैने संशय नशय भितर आशय भितर आसे कि मु 84 जन्म नहीं मु बाबा तो पूरा संपत्ति नहीं जो मैंने संशय बुद्धि आत्मा से मैंने कौन करेंगे कौन करेंगे से निशानी कौटा। तो बाबा कितनी वो तो पढ़ाई में पूरा ध्यान भी नहीं देंगे। जो आत्मा संशय बुद्धि है थी वो से मैंने पाठ पढ़ा ऊपर टिके भी ध्यान देवे नहीं तो निश्चय बुद्धि ना संशय बुद्धि निश्चय बुद्धि सब। तो बाबा की समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है, यदि पढ़ाई ऊपर ध्यान नहीं तले बाबा जाने दोचन ये मनकर भाग्य रहकर ना कल्प पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। कल्प पूर्वर से आत्मा बुझुने एवं मध्य बुझे बने तले बाबा को मने पके परिवर के मने पके परिवर ये तो भविष्य के लिए पढ़ाई है, नहीं पढ़ते तो समझा जाता क्या समझा जाएगा। ये पाठ पढ़ाऊ भविष्य पाई अटे भगवान पढ़ाऊ जदि पाठ पढ़ा उपर ध्यान ना ज्ञान को बुझुना तेल कौन बुझा जब कलप कलप नहीं पढ़ते थे और कम मार्क्स में पास हुए थे से आत्मा कल्प कल्प एमती ही पढ़ी नथिला आ कम मार्क पास होता। तो बाबा की स्कूल में वो तो फेल भी तो होते है ना, स्कूल को जाते समस्ते पढ़ुं समस्ते पास होते के समस्ते होना के तो फेल भी होते तो पास भी नंबर वार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबर वार पास होंगे से पाठरे जमते नंबर वार पास होते ये ईश्वरीय पढ़ाई रे भी पिला मानकर पास मध्य केमते हब जी जी पढ़ला नंबर वार अनुसार जो होशियार है वो क्या करेंगे। जो पिला माने पाठ पढ़ा चालाक हेथिबे से माने कौन करेंगे पढ़कर फिर पढ़ाते भी रहेंगे निजे पढ़िबे अन्य मान को पाठ भी पढ़े तले में चालाक पिला माने कि बाबार चालाक पिला माने। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ और बच्चे भी कहते हम भी तो सर्वेंट है स्वयं भगवान को चंदे मु तो पिला मन का सेवक अटे यदि बापा सेवक अटंते तले हमें पिला मन को प्रकार हमें मध्य सेवक अटंते गॉडली सर्वेंट है। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है हम सेवाधारी मन कर कर्तव्य कोटा प्रत्येक आत्मा मन कर कल्याण करिवार अच्छे बाप हमारा कल्याण करता हमको फिर औरों का कल्याण करना है। कल्याणकारी बाबा अमर कल्याण करछंते अमर ब्राह्मण मन कर कर्तव्य कोटा समस्तंकर कल्याण करिवा सबको यह भी समझाना कि बाबा को याद करो तो पाप कट जाए। प्रत्येक आत्मार कल्याण केमते हब समस्त को बुझेबा निरंतर जदि बाबा को मने पकोचंते तले जन्म जन्मांतर सबुजाक पाप कटिजीव जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुँचाते हैं उन्हें बड़ा पैगाम्बर कहेंगे। केते बड़ा टाइटल बाबा दोचन जो पिला माने बहुत आत्मा पाखरे परमात्मा संदेश पहुँचाऊंते से पिला मान को बाबा टाइटल कौन दे बड़ पैगाम्बर अटंते
सबुठ बड़ संदेश बाहक उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। बाबार ज्ञान समस्त पाखे पहुँचवापी जो मैं निमित्त बनुंते से बाबा कुछ महारथी आउ घोड़े सवार प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। जो मैंने ना निजे पढ़े ना अन्य मान को पढ़ेबे से को लिस्टे जीवे प्यादा लिस्टे आ पदातिक मैंने कौट जीवे प्रजा लिस्टे का जीवे जो मैंने महारथी आत्मा से मैंने राजा रानी बनेबे। तो बाबा की इसमें तो बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बनेंगे आ साहूकार के बनेब बाबा के लिए बेसी सेवा करे से राजा रानी हम जे किसी सेवा करने से प्रजा लिस्ट गला ताले साहूकार के हम साहूकार के बनेब जे परमात्मा कार्यर धनर सफल करे से साहूकार हम। तो बाबा की यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो तो सर्विस के लिए जीवन दी हुई है ना तो पदवी ऐसा ही पाएंगे। जो पिला मने परमात्मा सेवा पाए निमित्त है चंद निजर पूरा जीवन को समर्पण कर दल को कार्यरे परमात्मा कार्यरे से पिला मन को पद मध्य ऊंचा प्राप्त हब। उनको किसी की परवाह नहीं रहती है। जो मैंने भगवान कर सेवाधारी पिला मैंने से मैंने कहार मत परवाह करे मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना बांधा तो नहीं जा सकता। मनुष्य मन कर निजर हाथ गोड़ अच्छे से मन को बांधी परिवा के बांधी परिवा नहीं तो अपने को स्वतंत्र रख सकते हो। बाबार सेवा पाई पिला मने निज को स्वतंत्र रखी पर स्वतंत्र रखिले तो सेवा करिवे ना। जदि कौनसी भी बंधन रे फसी गले ताले बाबार सेवा हे परिवे ना। तो बाबा की ऐसा क्यों बंधन में फसूं जो मैं निर्बंधन अवस्था रे अछंते कुमार कुमारी अछंते तो से मन को चिंतन चलिबा दरकार मु जीवन देची बाबार सेवा पाए मु कौन सी बंधन रे कौन पाए फसेबे। तो बाबा की क्यों ना बाबा से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूँ स्वतंत्र जीवन मिलीगला ए जीवन को आम केमते सफल करिबा बाबा ठालू ज्ञानर अमृत नबा आ अन्य मान को पाखरे अमृत बांटिबा ताले बांटुचंते ना ना बांटुचंते ज्ञानर दान। तो बाबा की मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ छेली मेंढा हेले कि बांधिब आम तो छेली मेंढा नुहंते ना। तो बाबा की मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया रड्डिया मारी हाय हाय कर बैठ गए थे। बाबा यज्ञर आरंभ कथा कौन से समय कौन है बहुत माता कन्या मान निज को स्वतंत्र करदे रड्डी भी मारले हाय हाय कर ले तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है। जो तो स्वतंत्र हवा पे प्रोत्साहित कले दुनिया रे हलचल तो आसब ना। किंतु से जो पिला मने कहार परवाह कले निजर जीवन को कोटी सफल कले बाबार सेवार। तो बाबा की हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है यह काम बैठ करना ही है। सेमानकर बुद्धि रे रहिला भगवान आसचंते स्वर्ग को तैयारी करिया पे से कार्य मु रहिबे आउ कौन से काम मोर नहीं। ये मस्ती चढ़ जाती है जिसको मोलाई मस्ती कहा जाता। जो तो सेवार मस्ती चढ़ी जाऊचे से मस्ती को बाबा को ना देले मोलाई मस्ती। हम मेला के मस्तानी है ना। तुम जानते हो मोला से हमको प्या प्राप्त हो रहा है तो
ହେଲେ ଏଠି ମୂଲା ମାନେ କିଏ? ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛେ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। କ'ଣ ପଢ଼ାତା ହେ ୟାଁ ପର କିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? କିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଏବେ ବାବାର ନାଁ ଶିବ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ବାବା କହିଲେ ନା? କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ମୋଲା ନା? ନା ତ ବାବା କି ମୋଲା ହମକୁ ପଢ଼ା ରହା ହେ। ନାମ ତୋ ଉନକେ ବହୁତ ହେ, ପରନ୍ତୁ କୋଇ କୋଇ ନାମ ତୋ ବହୁତ ହି ମିଠା ହେ। ବାବା କହୁଛି ମୋର ନାଁ ତ ଅନେକ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଅଭି ତୋ ହମ ମୋଲାଇ ମସ୍ତି ବନେ ହେ ନା। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ମୋଲା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମସ୍ତି କେମିତିକାର ଚଢ଼ିବ? ମୋଲାଇ ମସ୍ତି। ତ ବାବା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଦେତା ହେ। ବୁଦ୍ଧି ବି ସମସ୍ତି ହେ କି ବରୋବର ହମ ବାବା କୁ ୟାଦ କରତେ କରତେ ଶତୋ ପ୍ରଧାନ ବନ ଯାଏଙ୍ଗେ ଅର୍ ବିଶ୍ୱ କା ମାଲିକ ବି ବନେଙ୍ଗେ। ୟ ତାତ ତୋ ଲଗି ହୁଇ ହେ ନା। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛେ ଯେ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇକି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ହେବି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବନେଇଯିବି। ଯେମିତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୁନ ଲାଗିକି ଅଛେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକପନାକୁ ନେବାର ଅଛେ। ତ ବାବାକୁ ହରଦମ ୟାଦ କରନା ଚାହିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବାବାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାବା? ସାମ୍ନେ ବୈଠେଇ ଫୋନା ୟାହାଁ ସେ ବାହାର ନିକଲେ ମୋର ଭୁଲ ଯାଏଙ୍ଗେ। ବାବା କହିଲେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ବାବାର ୟାଦ ଅଛେ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାବା ୟାଦ ରହୁଛନ୍ତି କି? କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବାକୁ। ତ ବାବାକେ ୟାହାଁ ଜିତନା ନଶା ଚଢ଼ତା ଉତନା ବାହାର ବି ନେଇ ରହିତା, ଭୁଲ ଯାତେ ହଉ। ମଧୁବନକୁ ଗଲେ କେତେ ନଶା ଚଢ଼ିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ସେ ନଶା ଆକା ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଭୁଲନା ନେଇ ଚାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବାବାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବାବାକୁ? ପରନ୍ତୁ ତକଦିର ମେ ନେହି ହେ ତୁ ୟା ବେଠି ବି ଭୁଲ ଯାତେ ହୁ। ଯାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ବାବା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାବାର ୟାଦ ନାହିଁ। ତ ବାବା କି ବଚ୍ଚୋଁ କେ ଲିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମେ ଗାଁ ଗାଁ ମେ ସର୍ଭିସ କରନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋ ରହା ହେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସାରା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚନା ହେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି ହେଉଛେ, କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗୁଛେ। ତ ବାବା କି ଜିତନା ବି ସମୟ ମିଲା ବାବା ତୋ କେ ତା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଛେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେବା କର। ପରନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ମେ ଜଲ୍ଦି ତ ହୋ ନେଇ ସକ୍ତି ହେ। ବାବା କହିଲେ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବନି। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛେ ନା ସତ୍ୟଯୁଗର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଅର୍ ବାବା ତ କେତେ ଏସି ମେସିନେରୀ ହୋ ଯୋ ହାତ ଡାଲେ ଅର୍ ଚିଜ ତିଆର ହୋଇଯାଏ। ବାବାର ଚାହନା କେଉଁଟା ଅଛି? ଏମିତି କୌଣସି ମେସିନ ବାହାରୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ପକେଇଲେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ। ୟହ ତ ବାବା ସମଝାତା ରହିତା ହେ, ଇତନା ଡେର କ୍ୟୁ ହୋତା ହେ। ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଅଛି ଅଛି ବଚ୍ଚୋଙ୍କୁ ମାୟା ନାକ କାଂସି ଅଛି ରୀତି ପକଡ଼ତି ହେ। ବାବା କହିଲେ ମୋର ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାୟା କେଉଁଠୁ ଧରୁଛେ? ନାକ ଆଉ କାନରୁ। କାନ କେମିତି ଧରୁଛେ? ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା କଥା ଶୁଣିବା ତାର ଅର୍ଥ ମାୟା କାନ ଧରିଦେଲା ନା। ତ ବାବା କହି ଯୋ ଅପ୍ନିକୁ ମହାବୀର ସମସ୍ତେ ଉନ୍ହୁଙ୍କୁ ଏସା ମାୟା କବ ତୁଫାନ ଆତା ଫିର ବହୁ କିସି କି ବି ପରୱା ନେଇ କରତେ ଅର୍ ଛିପା ଲେତେ ହେ।
जो मैंने निजक महावीर बोली भावुंते भावुंते आम महावीर अटंते बाबार संतान तो बाबा की वो भी माया की बहुत तूफानों में घेर जाते से महावीर आत्मा मैंने से मानक मायर बहुत बड़ा तूफान आस एमती बड़ तूफान आसे से मानक द्वारा किसी भूल हो जाए जितना भूल हो गला कार परवाह भी करना तो बाबा की छिपा भी लेते कागरे स्पष्टता दौना सत्य को लुचे दौंते तो बाबा की आंतरिक दिल सच्ची नहीं है निजर हृदय निजर आंतरिक दिल सत्यता वाला ना सच्चा नहीं जो सच्चाई नहीं से बाबार वास भी नहीं इसलिए बाबा कहते सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं जार सच्चा हृदय थी से मन को स्कॉलरशिप मिले तले आम हृदय सच्चा अच्छे के सच्चा दिल पर साहिब बाबा राजी होता है मुझेमितिकार मत सेमितिकार अन्य मान को देखेबार अच्छे स्पष्टता जीवन रे दरकार मोर जीवन पूरा खुला किताब हवा दरकार जो सच्चाई अच्छे से सफाई अच्छे आईटी बाबा रही पारे तो बाबा कहे से पिला मान को स्कॉलरशिप मिले सेतानी दिल चल ना सके जार हृदय रे खोट अच्छे जार हृदय रे मिथ्या अच्छे बाबा को जो से मानकर सेतानी हृदय बाबार दरबार रे चली पारे तो बाबा की सेतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हो जर सेतानी हृदय रहिव सेमानकर जीवन रो नौका तल को एका खसी जीव भव सागर फसी जीव तो बाबा की सबका शिव बाबा से काम है ना यद तो तुम साक्षात्कार करते हो ब्रह्मा को भी बनाने वाला कौन है ब्रह्मा बाबा को बनने वाला के शिव बाबा है तो शिव बाबा को याद कर तब तो ऐसा बने तो बाबा समझते माया तो बड़ी जबरदस्त है बाबा भी जानो चंदे माया तो वर्तमान गुरु पर अच्छे जबरदस्त रूप है जैसे चूहा काटता मालूम भी तो नहीं पड़ता माया भी ऐसी मस्त चूही है जमती मूसा काटी दौचे तो जना भी पड़ूनी तले माया को रूप आसे मस्त चूहा रूप मूसा रूप आसे एमती काटुचे जो जना भी पड़ून मु मायार बसीभूत हो गले तो महारथियों को ही खबरदार रहना है वो खुद समझते नहीं हमको माया ने गिरा दिया जो मैंने महारथी आत्मा से मन को सावधानी की चलार अच्छे एमती माया रूप को चूहा काटुचे जे से मन को जना भी पड़ूनी मु मायार बसीभूत के पूरा तल को खसी गले तो बाबा की लून पानी बना दिया समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाबा की सर्विस कर ही नहीं सकेंगे बाबा के लिए लून पानी हो गले सेवा हब कि यदि संगठन रे एकता नाई जड़े जनकर मतभेद आसवा लून पानी हवा ताले बाबार सेवा कौन है चिंतन को ऊपर चल लून पानी आत्मार चिंतन कौटा चलो एक कथा से कथार चिंतन चलला तो सेठ सेवा बाबार केमती हम इसलिए बाबानी का अंदर ही जलते रहेंगे देह अभिमान है तब तो जलते हो बाबा के लिए ईर्ष्या आसुचे जलन हो चे कौन पे हो चे देहर अभिमान अच्छे ताकू पचारे मत पचारे ना ये सबूजाक निशानी कार अटे ईर्ष्यार निशानी अटे ताले ईर्ष्या अच्छे ना ना टिके टिके अच्छे ना बेसी अच्छे तो बाबा के लिए ईर्ष्या वाला खुद जलता औरों को भी जलाता है जहाँ भितर ईर्ष्या थी से नीचे जलव तापर अन्य मन को जलेब तो बाबा की वो अवस्था तो ही भी नहीं तो याद का जोहर भरता नहीं है
इसलिए बहुत खबरदार रहना। देहर अभिमान रे आसले ईर्षार बसीभूत हेले ना बाबा को मने पके परिवे ना यादर जोहर भरव से बहुत सावधानी की चलिवार अच्छे को प्रकार समय चलीचे मत कौन करिवार अच्छे मत के बड़ प्राप्ति हो छे बाबा को तार चिंतन कर। ये चिंतन रे जदि रहिबा तले माया ठरु सावधान ही की चली परिवा। तो माया तो बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान में हो तो माया भी छोड़ती नहीं है। बाबा के लिए मुझे पावरफुल माया मध्य सेमते पावरफुल अटे। तले पिला माने बे कोठी अछंते पाठ पढ़ुंते ना ना कोठी अछंते एटि पढ़ाई मध्य चलचे युद्धर मैदान रे लड़ाई भी चलचे। ताले युद्धर मैदान रे बसचंते तो माया भी छोड़ती नहीं है। प्रत्येक मुहूर्त रे युद्ध करचन का सहित माया सहित माया भी छाड़ूनी। आधा पोना तो खत्म कर देती है, किसी को पता भी तो नहीं पड़ता है। माया इमिते आसुचे पूरा जीवन को नष्ट कर दोचे हेले भी जणा पड़ूनी। कैसे अच्छे अच्छे नई नई भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। बाबा के मोर भल भल पिला माने नुआ नुआ आत्मा माने पाठ पढ़ा को बंद कर दौन आठ बसी जाते घरे बसी जाते। तो अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर ही माया का बार होता है। जो मैंने पुरुषार्थ रे जिते ऊपर को जीवे से मायार आक्रमण भी अधिक रूप से आसव समस्ते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। सबूजाक बुझुचंते किंतु अवहेला जीवन रे आसी जाउछे। तो थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हो। जमती दुनिया रे लौकिक बापा भी चाहिबने तार पिला माने निज भीतर मतभेद रे आसंत। ये तो परमात्मा अटंते। बाबा भी चाहूनांते मोर पिला माने मतभेद रे आसंत लुण पानी हुंत। बाबा कौन चाहते खीर खंड के चलत। तो बाबा समझाता देह अभिमान के कारण ही लुण पानी होते हो। का विषय कह आर मत ता मत सहित पड़वाने तेल लुण पानी हो गले। लुण पानी रो कारण कौटा देहर अभिमान अटे। तो बाबा के स्वयं को ही धोखा देते हो। बाबा के लिए देह अभिमान रे आस धोखा क्या को दौ बाबा को ना निजक निजक आका धोखा दौच। तो बाबा कहीं ये भी ड्रामा है। बाबा तो देखुचंते तापरे बाबा कौन कहते ये सब ड्रामा अटे। जो कुछ देखते कल्प पहले मिसल ड्रामा तो चलता ही रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती ही रहती है। कभी ग्रहचारी बैठती कभी बहुत अच्छी सर्विस की खुशखबरी भी लिखते हो। अवस्था सब तल ऊपर होत ग्रहचारी बसी जाऊे केत बाबार बहुत भल सेवा भी करते सेवार समाचार भी बाबा को दौंते दौन सेवार समाचार सेवा कले तो सेवार समाचार दबा ना तले सेवा कर करते। तो बाबा कहे नीचे ऊपर होता रहता कभी हार होती तो कभी जीत होता है। तो पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। तो अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते कोई तो मर भी जाते। इसलिए जहाँ भी जाओ बाबा को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। बाबा के लिए भल भल पिला माने महारथी माने से माने भी हलचल रे आसी जाउछन। किए तो बाबार कोलर मरी भी जाउछनते से बाबा कहते जोठी भी रुह बाबार याद रे रुह आ बाबार सेवा कर। याद आ सेवा आम पिला मन को सुरक्षित रखि पार काठारु माया ठारु। तुम निमित्त बनी हुए हो सर्विस के लिए। तुम तो लड़ाई के मैदान में हो ना तले में निमित्त कौन पाए बाबार सेवा पाए।
त बाबकले लडाईर मैदान भितर बि अछन्ते जो बाहर वाले घर गृहस्थ में रहते यहाँ वालों से भी वो तो तीखे जा सकते हैं। बाबा के लिए जो माने बाहर रहउछन्ते से माने बेसी मायार सामना करउछन्ते से माने मध्य आगो को जाई परिबे। तो माया के साथ पूरी युद्ध चलती ही रहती है, दिन सारा हमें युद्ध करउछन का सहित माया सहित। सेकेंड बाई सेकेंड तुम्हारा कलप पहले मिसल पार तो चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ वो भी तो बुद्धि में है ना। जत ज्ञान बुद्धि आसीगला यहाँ भी बुद्धि आसुचे के समय बीतीगला के जन्मर चक्र भितर आसीगले सबूक बुद्धि आसीगला। तो सारा ज्ञान बुद्धि में है, जैसे बाबा में ज्ञान है तो इस दादा में भी आना चाहिए ना। जमी शिव बाबा भितर ज्ञान अच्छे सबूक ज्ञान कौटे आसीज ब्रह्मा बाबा भितर भी। तो बाबा बोलते तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। जदि शिव बाबा हमको सुनाउंते मझेरे मझेरे ब्रह्मा बाबा भी सुनाउंते। तो तुम भी तो जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ है, दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ेंगे। जार हृदय पूरा सफा अच्छे स्वच्छ अच्छे सत्यता वाला अच्छे कौन से व्यर्थ नहीं से माने बाबार हृदय रे चढ़ी पारे। तले बाबार हृदय सिंहासन समस्त दरकार ना ना दरकार। तो बाबा के उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। से आत्मा मानक भितर लुण पानी रो स्वभाव नमंर अवस्था केमती थी सब हर्षित पना रहिबो। उनका मूड कभी भी फिरेगा नहीं। केतल केमती कहछन आज मूड भल नहीं, मूड ऑफ अच्छे। तो बाबा जो देही अभिमानी आत्मा मान जार हृदय पूरा सफा अच्छे से मानकर मूड केबे ऑफ आका हव नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। बाबा के लिए बहुत पिला मन करो मूड बार बार चेंज हो चे। इस समय सभी कहते हम तो पतित ही है, अभी पतित पावन बाबा को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारा कपड़ा साफ हो। बाबा के लिए निरंतर पिला मन मत मन पकेले आत्मा पूरा स्वच्छ है जीव, वस्त्र सफा है जीव। मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर ना चलने वालों का कपड़ा कैसा होगा। जो मैंने श्रीमत प्रमाण चालू नाते से मानकर वस्त्र केमती कर रहिबो। कपड़ा तो साफ नहीं होता है, आत्मा शुद्ध होती भी नहीं है। और बाबा तो दिन रात इस पर ही जोर देता है। कौन सी बात पर जोर देता है बाबा, वो कथा ऊपर जोर दौंते बाबा। प्रत्येक दिन मुरली रे गोटे कथा कौन कौटा, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में आने से ही तुम गुटका खाते हो। देहर अभिमान रे आसिले पूरा अण निश्वासी हो जाऊछन, धक्का भी खाऊछनते। तो जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो तो खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहना है। जेतिकि स्थिति आमर ऊपर को चढ़ीबो आमर जीवन केमतिकार बनिजीव, खुशनुमा जीवन बनिजीव, हर्षित मुख सब बेले रही परिबा। तो बाबा जानता अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे है, परंतु अंदरूनी हालत देखो गल रहा है। बाबा के लिए मोर भल भल पिला मन अच्छे पूरा फर्स्ट क्लास पिला, किंतु आंतरिक अवस्था देख केते तल को खसी जाए छे। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है, देह अभिमान रनिया पूरा भीतर टा को जमते
तरल कर दौन तो बाबा की समझते नहीं ये बीमारी फिर कहाँ से आए एति मध्य बुझा पड़ूनि जे एते बड़ कड़ा रोग मो भीतर केमिति आसीगला मायर बसीभूत केमिति हेगले कोठी ना कोठी देहर अभिमान भीतर आसीगले तो बाबा किते देह अभिमान से ये बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। जो मैंने आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिबे से मन को केबे भी रोग लागिवन केते सारा रोग आज बाबा कहते ना तो बाबा की बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाबा तो कहते बच्चे देही अभिमानी भव पूछते ये रोग क्यों लगा है तो बाबा क्या कहेगा पिला ने पचारे बाबा एमितिकर रोग कौन पे लगेगा तो बाबा आंसर कौन कहे यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है जो बात मत पूछो कोई को यह बीमारी लगती तो एकदम चिचड़ होकर लगती है चिपक जाती है छोड़ती भी नहीं है। देह अभिमान रोग एमिति लागुचे जे आत्मा को पूरा चिपकी जाऊ ताको छाड़ी के जाओ नहीं तो श्री मत पर ना चल अपनी देह अभिमान में चलते तो चोट बड़ी जोर से लगती है। श्रीमत प्रमाण चलिवानी देहर अभिमान भीतर आसवा उल्टा कर्म करवा चोट आत्मा को एमिति जोर रे लगिव जे से मानकर जोग आग लगिव ताले संगम जुगर सबुट बड़ सजा कोटा बाबार याद न रहेवा तो बाबा कहे बाबा के पास तो सब समाचार आता है माया कैसे एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। माया केमती धोरछे पद्मावती माता जी केमती धोरछे माया नाकरे एमिति धरुचे पूरा स्थिति को तल को खसे दोचे तो बाबा की बुद्धि बिल्कुल मार डालती है संशय बुद्धि बन पड़ते हो मायार बसीभूत हेले बुद्धि पूरा भ्रष्ट बनी जाउछ संशय बुद्धि बनी गले तो भगवान को बुलाते हो आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हो तो क्या गति होगी। बाबा को डाके चलते पारस बुद्धि बनेवा पाए किंतु बाबार बनी कि वे बाबार विरुद्ध हो जाऊछन से मानकर अवस्था कौन हम तो बाबा ने कहा एकदम गिर कर पत्थर बुद्धि बन जाते हो तो बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी रहनी चाहिए पिला मैंने बाबा सामने बसुंचे एवं कौन करते बसिके कमाणे माताजी बाबा को मन पकुच ए तो मन पकुन एवं कौन कर पाठ पढ़ुं तेल को सोमान बस मु गॉडली स्टूडेंट अट तो बाबा की स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट यह है। तो बाबा कहते इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या भगवान टीचर पचारे मु जो पाठ पढ़ुचे से पाठ ठारु कौन से उच्च पाठ अच्छी कि देखते उच्च पाठ कोठी भी ना तो दी बेस्ट तो यह है 21 जन्मों का फल देती है। बेस्ट पढ़ाई हो जे बाबार पढ़ाई अट ए पढ़ाई द्वारा 21 जन्मर फल हमको मिलेगला ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए एक तो भगवान पाठ पढ़ाऊंटे द्वितीय एत बड़ प्राप्ति से एकोशी जन्म पाए तले पाठ पढ़ा कितने ध्यान दवा दरकार कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाबा कहे पाठ पढ़ा उपरे कितने पे किसी भी ध्यान दौना माया कौन करछे नाक कान सब काटिक थोड़ी ना ना तो बाबा की बाबा खुद कहते आधा कलब इनका राज्य चलता है तो ऐसा पकड़ लेते बात मत पूछो इसलिए बहुत खबरदार रहो। मायर राजूती अधा कल्प पर्यंत चलला
एबे मध्य माया इमिति आत्मा मान को धरुचे बाबा कुछ न कहले भल हम से पूरा सावधान ही की चल एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो नहीं तो माया कान नाक काट लेगी। बाबा कहले मत न मन पकेले माया कौन करिब नाक कान सब काटी देव फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। नाक कान जदि कटिगला किसी काम रे किसी काम ना तो बहुत समझते भी है हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए इम्पॉसिबल है। केते पिला भावुचंते मते लक्ष्मी नारायण रा पद मिलीजिव किंतु बाबा कहते असंभव अटे। ये थक कर तो फा हो जाते हो पुरुषार्थ कर थके के पूरा थंडा फा हो जाऊ तो से मन को पद एत ऊंचा केमते मिले। तो बाबा की माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हो। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। यदि हमारा बुद्धि बिगड़ी गला ताले बुझी जीवा दरकार जे माया मोर नाक को धड़ दे ताले कहार बुद्धि बिगड़ी छे कि नाय माया कर नाक को धरने। तो बाबा की याद की यात्रा में बहुत बल है बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबर याद रे बहुत खुशी मिलुच से खुशी समान खाद्य का नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते कमाई होती रहती तो कभी उनको थकावट नहीं होगा। दुकान रे जो ग्राहक मैंने आसुचे कमाई होचे से मैंने थकबे कि थकबे न तो बाबा की भूख तो नहीं मरेंगे बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अतः धन मिलता है ना। बाबा के लिए ये जो आम पाठ पढ़ुचे मायर सामना भी करते किंतु बाबा द्वारा अतः धन प्राप्ति होचे असीम धन बेसुमार धन। तो तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए देखना चाहिए हमारी चलन देवी है या आसुरी है। बाबा को जो निजर चाली चलन को देख मोर चाली चलन देवी देवता समान अटे ना आसुरी अटे। समय तो बहुत थोड़ा है अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। वर्तमान समय रे रेस चल चिकार अकाल मृत्युर एक्सीडेंट आदि देखो कितना होता रहता है। तमो प्रधान बुद्धि होते ही जाते हैं। आज दुनिया रे देखु चंदे ना बेसी कम देखु चंदे टीवी देखो मोबाइल देखो पेपर देखो सबुठे एक्सीडेंट आका देखु चंदे। तो बाबा की तमो प्रधान बुद्धि होते जाते बरसात जोर से पड़ेगी उनको ही कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। वो तो जोर रे वर्षा हम बनिया ही जीव ताको कौन कहब इटा कुदरती एक्सीडेंट अटे। मौत सामने आया कि आया समझते भी है एटॉमिक बम की लड़ाई छिड़ जाएगी। जो प्रकार अवस्था दुनिया रे देखुचे बुद्धि रे तो आसुचे ना एत आणविक अस्त्र शस्त्र जो रखिचे बम्स मिसाइल रखुचे टिके किछे हला लड़ाई आरंभ ही जीव ऐसे से खोफनाक काम करते हैं तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। बाबा कुछ एमतीकर खोफनाक काम कर डरावला काम जड़े जन को तंग करेंगे तो लड़ाई तो आरंभ ही जीव किंतु लड़ाई पूर्वर आमर स्थिति को आमको संपूर्ण बनेबार अच्छे ता प्रति ध्यान रखा निज उपरे सावधानी रखिबा निरंतर बाबा को मने पकेबा बाबार याद आ सेवा आमर कवच अटे माया ठार मुक्ति पाए। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
आज बाबा कौन कहले शशि माता जी आ कौन कहते बाबा आज सुनता बुनी राज बाबा ने कहा मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल भी ना आए। पूरा दिन जाकर धारणा करिबा कोटा, एक तो मोलाई मस्ती रे रहिबा, निज को स्वतंत्र रखिबा, कौन सी बंधन रे केबे फसिबा नै, माया रूपक चूहा ठारो बा मूषा ठारो निज को बहुत संभाल रखिबा, खबरदारी सावधानी सहित चलिबा, निज हृदय रे कौन सी शैतानी आसुरी चिंतन भी न आसु ता प्रति भी ध्यान दबा। जदि दिल भीतर सच्चाई अच्छे सेठी बाबा बसिबे, बाबा को बसेबा ना। सेकेंड पॉइंट, बाबा द्वारा जो बेसुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। राजी बाबा कुछ बाबा द्वारा जो बेसुमार धन मिलेगा, को धन मिलुचे ज्ञान रूपक धन, तार चिंतन रे रहिबा तेबे खुशी रे रहि परिबा। एते बड़ कमाई रे केबे संशय बुद्धि बनी के थकी जीवन, हमर जीवन को प्रकार अटे स्टूडेंट लाइफ अटे, गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबुठार बेस्ट जीवन अटे। ए जीवन रे पाठ पढ़ा उपरे पूरा ध्यान दबा, जेमे दुनिया रे स्टूडेंट माने कौन करछन सकाळ उठिके जल्दी जल्दी सब रेडी की स्कूल को दौड़छन ना, सेमती बाबा कहले मोर गॉडली स्टूडेंट पिला माने सकाळ सकाळ निजरो मन को समर्थ संकल्प रे भरपूर कर देवा। समर्थ संकल्प कोठि मिलुचे बाबार पढ़ाई भीतर। आज वरदान होचे सदा अलर्ट रहो, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। आज बाबा हमको टाइटल दले, को टाइटल मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा के लिए मोर पिला मान का भीतर शुभ संकल्प जागृत हवा दरकार, विश्वर प्रत्येक आत्मा मानकर आशा को हमें पूर्ण करी परिवा। सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाए, समस्त गोटे इच्छा अच्छे कोटा जन्म मृत्यु बंधन रु मुक्त केमते हब, तो उसका अनुभव कराओ। तो बाबा कहले तार जो अनुभूति के करेब हमें पिला माने, इसके लिए अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं के वृत्तियों को चेंज करो। निजर शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति को मध्य परिवर्तन करिबा, मनुष्य मानकर वृत्ति व संकल्प धारा को भी आम चेंज करिपरिबा। केमती चेंज करिबा, एमती चेंज करिबा निज शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा। तो मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। हमको मास्टर दाता बने के प्रत्येक आत्मा मानकर आशा को पूर्ण करिबार अच्छे। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो, यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आम उपरे केते बड़ दायित्व अच्छे, को दायित्व अच्छे मुंड उपरे समस्ते चाहते ना जन्म मृत्यु बंधन रो मुक्त हवा पाए, तले आमर काम होचे समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति रो दान दबा।
जदि मुंड उपरे एते बड़ दायित्व अछे से सोइके रहिब कि नै सबले अलर्ट ठीक रहिब प्रत्येक आत्मार आशा को पूर्ण करिब। आजर स्लोगान होचे मुरली धर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले सच्चे गोप गोपियाँ है। देखिचंते ना भागवत रे गोप गोपी माने कृष्णंकर वंशी बाजिले दौड़ी चली जाऊथले ना शरीर सुदबुद देखुथले ना परिवार को देखुथले ना संबंध संपर्क को देखुथले तले एठी मुरलीधर किए शिव बाबा अटंते बाबार मुरली सुनिले देहर स्मृति को मध्य भूली जीवा देहर सुदबुद को भूली जो माने जाउचंते से मान होचन प्रकृत रे गोप गोपी मान तले आमे सप्तरे गोप गोपी अटंते के अटंते किसी देहर सुदबुद ना हलचल ना पूरा आत्मिक अवस्था स्थित अच्छा मन भी पूरा शांत बुद्धि भी एकाग्र केवल बाबार मुरली तो बाबा एमितिकार अवस्था अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति यहाँ केवल गोप गोपी मानपर। आज सोमान होचे मे मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ सार था तुम्हो त्रिमूर्ति बाबा के बच्चे तुम्हें अपनी तीन कर्तव्य याद रहे स्थापना विनाश और पालना। अव्यक्ति सार आज पॉइंट होचे विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता विश्व कल्याण र सेवार क्षेत्र रे सहज रे सफलतार साधन गोटा अटे निजर प्रत्यक्ष प्रमाण अटे निजर प्रैक्टिकल जीवन आमर जीवन होचे बाबार प्रत्यक्षतार साधन अटे। तो जो बोलो वो देखे बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है मास्टर सर्वशक्तिमान है माया चित है रहम दिल है तो रूहानी सेवाधारी हो तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। बाबा के लिए मोर पिला मने कहुचंते निज को कहुचन मु कौन अटे मु ब्राह्मण अटे ऑलमाइटी अथॉरिटी अटे मास्टर सर्वशक्तिमान अटे माया चित अटे दयावान अटे रहम दिल अटे रूहानी सेवाधारी अटे जो प्रकार टाइटल कहुचंते तार प्रैक्टिकल स्वरूप आम जीवन रे देखा जाओ तेबे जे कि बाबा प्रत्यक्ष हे परिवे। मधुरता की मधु सदा साथ रहे तो हर कर्म में सफलता है ही। ओम शांति।